जो कि डीएसपी साहब भी आया अररिया जिला से, और जो कि यहां शोभा यात्रा को शोभा बढ़ाने के लिए जो बजरंग साहब, इसके बाद जो सीओ साहब, सारा यहां पे उपलब्ध है, जो कि बहुत शांतिपूर्वक से शोभा यात्रा को निकाला। कैसे हो, उम्मीद करता हूँ बहुत ही मस्त हुए होंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो रहेगा, जो कि शोभा यात्रा निकलने वाला है सुंदरनाथ धाम ठाकुरवारी से, तो आज मैं वो दिखाने वाला हूँ आप लोग को, और काफ़ी मज़ा आएगा। कितना शोभा यात्रा में बजरंग दल सब रहेगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है। और इससे पहले जो भी भाई मेरा चैनल में आया है, तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, वेलकम घंटे ऑल पे दबा के सेट कर लीजिए। क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मैं भी कोई भी वीडियो मैं डालूँ ना, तो आप लोग के पास पहुँच जाए, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ सब्सक्राइब और वेलकम घंटे ऑल पे दबा के सेट कर लीजिए। तो दोस्तों, सेट कर लीजिएगा, चलते हैं यहाँ से, आपको दिखाते हैं शोभा यात्रा का तैयारी किस तरह से, किस ढंग से किया गया है यहाँ पे, और बजरंग दल निकलेगा पूरा प्रशासन का सहयोग से, और पूरा मतलब साजवाज के साथ निकलेगा, शांतिपूर्वक निकलेगा। तो दिखाएंगे, बने रहिए मेरा वीडियो। जानकी मंदिर था, इसका मैं वीडियो आप लोग को दिखाएं, यहाँ पे कीर्तन भी हुआ था, और यहाँ देख सकते हैं बजरंग दल के कितना झंडा लगा हुआ है, जो अभी काफ़ी सुंदर से रजोला चौक का व्यू अभी आप लोग को दिखा रहे हैं, काफ़ी सुंदर से लगा हुआ है। जो यहाँ से चलते हैं अब सुंदरनाथ धाम, और सुंदरनाथ धाम का आप लोग को व्यू दिखाएंगे। बने रहिए मेरा वीडियो में, फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, फुल वीडियो देखिएगा मेरा। मंदिर के प्रांगण में हूँ, और यहाँ देखते हैं किस तरह से तैयारी चलता है, तो अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा, जो कि बजरंग दल शोभा यात्रा निकलने के लिए जा रहा है सुंदरनाथ धाम से। तो देखते हैं, आप लोग को दिखाते हैं यहाँ पे चल के पीछे वाले कैमरा से किस तरह से यहाँ पे तैयारी। दो डीजे तैयार है, जो कि दो डीजे साथ में जाएगा, और इधर प्रशासन साहब भी है, जो कि कुआरी थाना से है, यहाँ देख सकते हैं कि पूरा सहयोग देते हुए पे जाएगा। और बजरंग दल अभी निकलने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इससे पहले आप लोग को यहाँ का व्यू दिखाते हैं। यह बाबा सुंदरनाथ के पास में है, अभी आप लोग देख सकते हैं। चलते हैं यहाँ से आगे, और आप लोग को व्यू दिखाने के लिए बने रहिए मेरा। तो अभी मैं ठाकुरवारी में हूँ, और यहाँ देख सकते हैं यहीं से निकलेगा शोभा यात्रा बजरंग दल, और ये सुंदरनाथ धाम के पास में है ठाकुरवारी, यहीं से निकलेगा, तो आप लोग को जरूर दिखाएंगे किस ढंग से यहाँ से निकलता है शोभा यात्रा बजरंग दल। यहाँ देख सकते हैं सजावट चल रहा है, गाड़ी के पास में हूँ फिलहाल, यहाँ राम जी की तस्वीर लगा हुआ, बहुत बड़ा तस्वीर लगा हुआ है। यहाँ पे अभी सजावट चल रहा है, और कुछ कलाकार सब भी आया है, अभी सज धज रहा है। टाइम लगेगा लगभग एक डेढ़ घंटा और लगेगा निकलने में। यहाँ का देख सकते हैं आप लोग, खुद अभी देखा रहे हैं, ये ठाकुरवाड़ी का व्यू। तो दोस्तों, चलते हैं यहाँ से पीछे वाले कैमरा सब। तैयारी चल रहा है अब, काफ़ी टाइम हो गया, जो कि 10 बजे का टाइम दिया था, लेकिन 11 बज गया, अभी भी काफ़ी टाइम हो गया है, अब थोड़ा देर में निकलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि बैठा हुआ मुखिया साहब और सब भी यहाँ पे है, सारा यहाँ युवक जितना भी सदस्य है यहाँ का, जो बजरंग दल का यहाँ पे बैठा हुआ। यहाँ से देख सकते हैं सुंदरनाथ धाम भी है, तो सुंदरनाथ धाम से ही निकलेगा बजरंग दल शोभा यात्रा, जो अभी आप लोग को दिखाएंगे, यहाँ देख सकते हैं। चलते हैं ठाकुर बारिश भी आगे, आप लोग को बुजुर्ग रहे या जवान रहे या नौजवान रहे, सारा यहाँ बजरंग दल शोभा यात्रा में जाने के लिए तैयारी है, जो कि अभी थोड़ा देर के बाद बजरंग दल यहाँ से निकलेगा, जो अभी आप लोग को हम दिखाएंगे। देख सकते हैं यहाँ का व्यू अभी कितना अच्छा लग रहा है, अभी भी बहुत श्रद्धालु यहाँ पर बजरंग दल का सेना सब अभी आने के लिए बाकी है। इधर देख सकते हैं सुंदरनाथ धाम है, जो कि सुंदरनाथ धाम से ही अभी प्रोग्राम वहाँ भी होगा थोड़ा सा, फिर इसके बाद निकलेगा बजरंग दल, तो अभी आप लोग को दिखाएंगे, तो बने रहिए, चलते हैं यहाँ से। थोड़ा देर में शोभा यात्रा बजरंग दल यहाँ से निकलेगा, जो कि गांव-गांव घुमाएगा, तो आप लोग को दिखाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि अभी तैयारी चल रहा है काफ़ी ज़ोर शोर से, अब थोड़ा देर के बाद यहाँ से निकल जाएगा शोभा यात्रा सुंदरनाथ धाम से। देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है, कितना अच्छा व्यू लग रहा है। बजरंग दल जो शोभा यात्रा निकलने के लिए जा रहा है, जो कि यहाँ पे अभी कार्यक्रम रखा है, जो कार्यक्रम अभी आप लोग को दिखाएंगे। यहाँ देख सकते हैं कि जो कि शंकर भगवान, राधा कृष्ण, सारा भूत प्रेत यहाँ पे बना है, तो अभी आप लोग को दिखाएंगे, बने रहिए मेरा वीडियो में। यहाँ प्रशासन सब भी वहाँ पे सहयोग कर रहा है, यहाँ देख सकते हैं पूरा आया हुआ प्रशासन का गाड़ी भी यहाँ पे, तो सही तरह से होगा यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे सारा अभी कलाकार तैयारी है, अभी प्रोग्राम होगा यहाँ पे, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है प्रोग्राम देखने के लिए। जो 2022 में दिखाए थे वीडियो, तो 2023 में उससे ज़्यादा अच्छा बनने वाला भी है वीडियो, और काफ़ी अच्छा नज़ारा भी आज का देखने में लगेगा आप लोग को।
और काफी सुंदर से यहाँ पे कलाकारी भी देखा भूत प्रेत का जो यहाँ पे, और काफी अच्छा लग रहा है आज का व्यू देखने में। और वही कलाकार है जो अगले साल किया था, जो 2022 में, तो 2023 में भी वही कलाकार अभी करने के लिए जा रहा है प्रोग्राम। यहाँ पे देख सकते हो काफी अच्छा है, और यहाँ प्रशासन सब भी सहयोग में है, प्लस यहाँ पे जो मुखिया साहब भी है और भी यहाँ पे वार्ड सदस्य सरपंच सारा यहाँ पे है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा से यहाँ पे कलाकार जो बना हुआ है अभी दिखा रहे हैं आप लोग को, और यहाँ पे मुखिया साहब सब भी है। जो फोटो भी है खिंचाया है यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ देख सकते हैं काफी अच्छा से यहाँ पे अभी फीता गोभी काटा जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे झांकी का प्रोग्राम शुरू होगा बहुत अच्छा तरह से देख सकते हैं अभी आपके सहयोग। काफी भारी की संख्या में यहाँ पे बजरंग दल शोभा यात्रा निकलने के लिए जाएगा, अभी आप लोगों को दिखाएंगे। और यहाँ अभी प्रोग्राम होगा, तो प्रोग्राम का भी आप लोगों को दिखाएंगे। वीडियो का अभी शुरुआत होगा यहाँ पे झांकी से, जो कि यहाँ पे कार्यक्रम अभी स्टार्ट होगा जो अभी आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। काफी अच्छा लग रहा है दोस्तों, देख सकते हैं कि यहाँ पे अब स्टार्ट होने के लिए जा रहा है प्रोग्राम जो मैं अभी आप लोग को दिखाएंगे। काफी दोस्तों अभी यहाँ पे झांकी होगा काफी अच्छा से, जो कि बजरंग दल शोभा यात्रा अभी निकलने वाला है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं कि कितना अच्छा से यहाँ प्रोग्राम अभी दिखा रहा है, जो कि अगले साल 2022 में ही पार्टी आया था, और अभी 2023 में यही पार्टी फिर प्रोग्राम यहाँ दिखाने के लिए जा रहा है, जो कि कुछ इसमें कलाकार चेंजिंग हुआ है दोस्तों। देख सकते हैं कि शुरुआत में ही यहाँ पे झांकी, हर एक साल शुरू में जो यहाँ प्रोग्राम होता है सबसे पहले तो झांकी ही स्टार्ट होता है यहाँ पे, जो देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा से यहाँ झांकी कर रहा है महाकाल का, जो अभी आप लोग को दिखा रहे हैं दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं कि पूरा धूमधाम के साथ में जो कि यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, और बजरंग दल शोभा यात्रा यहाँ सुंदरनाथ धाम से अभी ट्रेवल करेगा, जो कि बस्ती बस्ती घुमाएगा, जो अभी आप लोग को मैं दिखाऊंगा किस ढंग से यहाँ पे जो बजरंग दल निकाला जा रहा है, जो कि शोभा यात्रा को कितना और गान बजान पूरा डीजे के साथ में जो कि घुमाया जाएगा जो बजरंग दल शोभा यात्रा, तो मैं अभी आप लोग को दिखाएंगे पूरा वीडियो बना के, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को देखें फुल वॉच कीजिए, जो कि मेरा चैनल में इससे और अच्छा अच्छा वीडियो आप लोग को मिलते रहे। और उससे पहले जो भी भाई आए अभी देख रहे हैं मेरा वीडियो को, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो कि लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब यदि कर लीजिएगा, वेलकम घंटी ऑल पे दबा के सेट कर लीजिएगा, तो मेरा चैनल में कोई भी वीडियो डालेगा तो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा नोटिफिकेशन, तो आपको मिलेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कि कितना शानदार यहाँ पे प्रोग्राम किया जा रहा है, जो अभी आप सबको मैं दिखा रहा हूँ लाइव प्रूफ। तो यहाँ देख सकते हैं सुंदरनाथ धाम, जो कि पूरा प्रसिद्ध मंदिर है सुंदरनाथ धाम, तो आप लोग सुंदरनाथ धाम प्रसिद्ध मंदिर को आप लोग जानते ही, जो कि अररिया जिला से है, जो मैं अभी यहाँ आप लोग को दिखा रहा हूँ, जो कि यहाँ पर निकल रहा है शोभा यात्रा। बने रहिए मेरे भी, प्रोग्राम हुआ था, प्रोग्राम अभी खत्म हो चुका है, चलते हैं आप लोग को आगे आप दिखाने के लिए, जो शोभा यात्रा अभी बजरंग दल निकलेगा किस ढंग से आप आगे से निकल के ट्रेवल करेंगे, जो अभी आप लोग को दिखाएंगे। यहाँ देख सकते हैं यहाँ से चलते हैं, काफी जनसंख्या यहाँ पे आया है, भारी पड़ा हुआ है, जो कि बजरंग दल का सेना सब है यहाँ पे देख सकते हैं। चलते हैं यहाँ से आगे, बने रहिए, बजरंग दल अभी निकलने वाले हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रशासन सब भी है, और यहाँ माननीय जो प्रखंड प्रमुख साहब भी है, मुखिया साहब भी है, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे उत्सव के साथ शोभा यात्रा निकल रहा है बहुत शांतिपूर्वक, यहाँ देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, फिर आप लोग को आगे का व्यू दिखाएंगे, फिर बने रहिए मेरा वीडियो में, चलते हैं यहाँ से आगे। देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रमुख साहब भी है और सब भी यहाँ पे है, तो देख सकते हैं यहाँ से चलते हैं आगे आप लोग को दिखाने के लिए, बने रहिए। काफ़ी सुंदर से यहाँ पे बजरंग दल शोभा यात्रा निकल रहा है सुंदरनाथ धाम से, जो ठाकुर बाड़ी राम जानकी मंदिर से निकलेगा, तो अभी आप लोग को पूरा वीडियो दिखाएंगे, बने रहिए मेरा वीडियो। देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा से चल रहा है, निकल रहा है।
बजरंग दल शोभा यात्रा बहुत भारी की संख्या में सुंदरनाथ धाम से निकला है। जो भी आप लोग को देखा रहे पूरा प्रशासन और माननीय प्रमुख साहब और इसके बाद मुखिया साहब, इसके बाद जो सीओ साहब, सारा यहां पे उपलब्ध है, जो कि बहुत शांतिपूर्वक से शोभा यात्रा को निकाला जा रहा है, जो मैं अभी आप लोग को दिखा रहा हूँ। चलते हैं दोस्तों, और काफ़ी भारी की संख्या में आगे भी है जो अभी बजरंग दल, तो चलते हैं आगे आप लोग को दिखाने के लिए। फिर बने रहिए मेरा वीडियो में, देख सकते हैं काफ़ी शानदार का और शांतिपूर्वक से बजरंग दल यहाँ पे निकाला जा रहा है और पूरा धूमधाम के साथ में। तो चलते हैं यहाँ से आगे और आप लोग को दिखाने के लिए। दोस्तों पूरा नाच गान के साथ में बजरंग दल यहाँ पे निकाला गया है, जो पूरा धूमधाम के साथ में जो अभी आप लोग को हम दिखा रहे हैं। और इधर संजय डीजे वाला भी है, यहाँ देख सकते हैं बजरंग दल में भाग लिया हुआ उसी का डीजे है। और काफ़ी अच्छा लग रहा है आज का नज़ारा देखने में, जो अभी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी रोड भरा हुआ है यहाँ पे, जितना बजरंग दल का सेना सब है यहाँ पे देख सकते हैं। शोभा यात्रा में बहुत शांतिपूर्वक से निकाला गया है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलते हैं दोस्तों फिर आगे आप लोग को दिखाते हैं धूमधाम के साथ में, जो यहाँ पे बजरंग दल सुंदरनाथ धाम से निकाला गया है, जो काफी शांतिपूर्वक देख सकते हैं। कितना की संख्या में बजरंग दल अभी निकल जा सकते हैं, काफी दूर दूर तक अभी लाइन लगा हुआ बजरंग दल का, जो आप लोग देख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे और दिखाने के लिए, फिर बने रहिए। देख सकते हैं भारी के सामने यहाँ पे बजरंग दल सुंदरनाथ धाम शोभा यात्रा जो लग गया है, जो अब लोग को हम दिखा रहे हैं। काफी उत्सव का समय है और काफी बजरंग दल जो बहुत उत्सव के साथ निकला गया है यहाँ पे शोभा यात्रा, जो अभी आप लोग को दिखा रहे हैं। काफ़ी दूर तक ट्रेवल होगा, अभी आप लोग को दिखाएंगे, देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों फिर, यहाँ देख सकते हैं कितना बड़ा लंबा कतार लाइन का है, जो बजरंग दल का ही है, शोभा यात्रा का ही है, जो अभी आप लोग को देख सकते हैं। बहुत श्रद्धालु अभी जो बजरंग दल का जो भक्तजन है, तो बाइक से भी चलता है, कुछ ट्रैक्टर में है, कुछ स्कॉर्पियो, कुछ बोलेरो, कुछ पैदल भी है। काफ़ी शानदार तरह से यहाँ पे जा रहा है शोभा यात्रा को। राधा कृष्ण भी दर्शाया गया है, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है यहाँ पे देख सकते हैं। और आगे बजरंग दल का जो ये सेना सब है, जो अभी दिखा रहे हैं आप लोगों को, काफ़ी उमंग के साथ में अभी शोभा यात्रा में निकल गया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ भी आप लोग को दिखा रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों फिर यहाँ से आगे और दिखाने के लिए, जो कि बहुत सारा प्रोग्राम का यहाँ पे कंटेंट दिखाएगा। तो फिर बने यहाँ पे है यहाँ मौजूद, जो कि कहीं कुछ हो न जाए यहाँ पे, इसलिए बजरंग दल। और लेकिन बहुत शांतिपूर्वक अगला साल भी निकला था बहुत शांतिपूर्वक 2022 में, और 2023 में भी आज सुंदरनाथ धाम से जो दूसरा बार अभी निकला है बजरंग दल शोभा यात्रा, तो मैं अभी आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये भी बहुत शांतिपूर्वक से ही निकला है यहाँ पे, जो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलते हैं यहाँ से, जो है सुंदरी मठ से सुंदरी पहुँचे हैं, यहाँ दिखा सकते हैं आप लोग को कितना भीड़ है। तो यहाँ पब्लिक सब देखने के लिए भी उमड़ पड़ा है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत शांतिपूर्वक जो शोभा यात्रा निकाला जा रहा है, जो कि अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और पूरा प्रशासन यहाँ पे सहयोग करते हुए निकल रहा है। चलते हैं यहाँ से आप लोग को आगे और दिखाने के लिए, फिर बने रहिए। टोला में जितना भी है, जो कि यहाँ पे बड़ा हो छोटा बहुत, सब मिल के यहाँ पे शांतिपूर्वक से यहाँ पे जो शोभा यात्रा को निकाला गया है, जो शांतिपूर्वक से ही यहाँ पे निकाला गया है, जो देख सकते हैं यहाँ पे सबको सही सुझाव देते हुए, पर बड़ा हो छोटा बहू यहाँ देख सकते हैं कि सही रास्ता से आप लोग चलिए। बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा शांतिपूर्वक से शोभा यात्रा यहाँ पे निकाला गया, जो अभी आप लोग को हम दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। काफ़ी जो कि अभी ट्रैक्टर में भी है, पैदल भी है, इसके बाद जितना बाइक में भी है, बहुत सारा है यहाँ देख सकते हैं आप लोग को दिखाया। फिर चलते हैं यहाँ से दोस्तों, फिर ये साइड से उधर से घूम के आएगा, तो फिर हम वहाँ चौक से दिखाएंगे आप लोग को भी। काफ़ी नज़ारा बड़ा लग रहा है, चलते हैं यहाँ से। की संख्या पे यहाँ पे जुलूस जो निकला है शोभा यात्रा, देख सकते हैं कि बजरंग दल जो शोभा यात्रा है, जो कि यहाँ तक सुंदरी तक पहुँच गया है, जो अभी आप लोग को दिखा रहे हैं। यहाँ पे पीछे से काफ़ी जुलूस के साथ में आ रहा है, अभी देख सकते हैं यहाँ पे माननीय प्रमुख साहब सब जो आगे आगे आ रहा है, तो यहाँ देख सकते हैं अभी आप लोग को दिखा रहे हैं।
दोस्तों इस चौक में अभी DSP साहब भी जो आया है अररिया का, जो देखते हैं लोग को दिखाएंगे, जो कि भारी संख्या शोभा यात्रा जो निकला है। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं कि पूरा अधिकारी सब भी है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे DSP साहब भी है, यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि DSP साहब भी यहाँ पे पहुँचा है शोभा यात्रा को और शोभा बढ़ाने के लिए। जो देख सकते हैं बहुत शांतिपूर्वक से यहाँ पे हो रहा है जो बजरंग दल शोभा यात्रा, जो भी आप लोग को देख रहे हैं, देख सकते हैं कि काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पे जो पूरा प्रशासन यहाँ पे आया हुआ है, पूरा टाइट किया हुआ है, जो कि कहीं कुछ ना हो जाए जो शोभा यात्रा में। तो प्रशासन सब पूरा DSP साहब है, बड़ा बाबू छोटा बाबू कुर्सागढ़ा का, कुआड़ी का, जो गोदाम थाना का, सारा यहाँ पे पहुँचा हुआ है। जो देख सकते हैं काफ़ी शानदार लग रहा है यहाँ का व्यू देखने में, अभी आप लोग को हम दिखा रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे DSP साहब सब भी है, जो कि DSP साहब भी आया अररिया जिला से, और जो कि यहाँ शोभा यात्रा को शोभा बढ़ाने के लिए जो बजरंग दल के यहाँ पे DSP साहब और सारा जितना भी पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद है, अभी आ रहा है उधर से, काफ़ी घूम फिर के आ रहा है। हम अभी फिलहाल हूँ जो कि यहाँ पे सुंदरी चौक पे हूँ, अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ का व्यू, चलते हैं अभी आ रहा तो आप लोग को देख रहा। जो बजरंग दल अभी पहुंच चुका है जो कि सुंदरी में, अभी घूम फिर के पूरा टोला भर, तो अभी दिखा रहे हैं आप लोग को। अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो राम भगवान का जो यहाँ पे जो तस्वीर बनाया गया है बहुत सुंदर, बजरंग दल का जो शोभा यात्रा का, जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अभी आ रहा है काफ़ी भारी की संख्या में, अभी आप लोग को हम दिखाएंगे। जो कि यहाँ पे जो कि भूत प्रेत सब भी बना है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, अभी आप लोग को दिखा रहे हैं, बहुत मस्त होके आ रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं काफी शानदार लग रहा है यहाँ देखने में। अभी देखते हैं काफी भारी संख्या में यहाँ से आ रहे हैं। देख सकते हैं कि पूरा DJ के साथ में यहाँ पे शोभा यात्रा को बढ़ाया जा रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप काफी उमंग के साथ में यहाँ पे। काफी उमंग के साथ में यहाँ पे दिखाया जा रहा है। देख सकते हैं दोस्तों कितना भारी संख्या में यहाँ पे जुलूस निकला शोभा यात्रा, जो अभी आप लोग को हम दिखा रहे हैं। जो बजरंग दल की सेना है पूरा भारी की संख्या में यहाँ पे है, जो सुंदरनाथ धाम से शोभा यात्रा निकाला गया है, जो अभी आप लोग को हम दिखा रहे हैं, देख सकते हैं अभी और काफी भीड़ होगा, देख सकते हैं अभी आ रहा है इधर से जनसंख्या, अभी बहुत लंबा कतार है यहाँ का। काफ़ी भारी की संख्या में यहाँ बजरंग दल शोभा यात्रा सुंदरनाथ धाम से जो निकला है, जो मैं अभी आप लोग को दिखा रहे हैं लाइव प्रूफ, तो देख सकते हैं जो कि 2022 का जो बजरंग दल है निकला है भारी की संख्या में, जो 2022 में भी निकला था, जो मैं पिछले वीडियो बनाए थे आप लोग जरूर देखे, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं जो कि पैदल यात्रा और बाइक भी है, कुछ गाड़ी भी है, जो देख सकते हैं काफ़ी शानदार की तरह से यहाँ निकाला जा रहा है। अभी भी यहाँ पे पीछे बहुत जनसंख्या है बजरंग दल का, जो अभी आ ही रहा है। शोभा यात्रा बजरंग दल को जो निकला है, कितना अच्छा शोभा बढ़ा रहा है, जो अभी
अभी सुंदरी चौक में हम लोग का, यहाँ से सुंदरी होके ही जाएगा, हर्रा बस्ती होके जाएगा, पहुँचेगा ये से रजोला, रजोला से फिर सुंदरनाथ धाम पहुँचेगा। तो मैं अभी फिर यहाँ तक आप लोग को दिखाते, फिर उधर से रजोला पहुँचेगा, फिर रजोला से आप वीडियो दिखाएंगे जो अभी आप लोग। घूम के आया है जो कि सुंदरनाथ धाम सुंदरी मंड से जो शोभा यात्रा जो निकला था बजरंग दल का, तो सबसे पहले सुंदरी से ही कटा हर्रा होके, इसके बाद चैता होके फिर आज अभी पहुंचने वाले हैं। अभी जस्ट अभी बस थोड़ा ही देर में रजोला चौक पहुंच जाएगा। जो अभी आप रजोला चौक फैमिली अभी पहुंच चुका है, जो मैं आप लोग को अभी पीछे वाले कैमरा से दिखाएंगे, देख सकते हैं काफ़ी उत्सव के साथ में जो शोभा यात्रा बजरंग दल निकला है। बने रहिए, चलते हैं यहाँ से पीछे वाले, देख सकते हैं दोस्तों कि फैनली रजोला चौक में पहुंच गया। जो रजोला चौक का मैं भी दिखा रहा हूं अभी, देख सकते हैं ये रजोला चौक का व्यू है, और यहां पे पहुंच गया है जितना भी जो बजरंग दल का सदस्य है और जितना बजरंग दल भी है, जो अभी आप लोग को दिखा सकते हैं। यहां देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, कितना नज़ारा भरा लग रहा है, जो काफ़ी डीजे के साथ में जो शोभा यात्रा निकला सुंदरनाथ धाम में, धाम से जो अभी आप लोग को दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों और आगे। का रोल लिया आ गया है, यहाँ देखा सकते हैं। इस गाड़ी में शंकर पार्वती का रोल है, और उधर जो डांस में है अघोरी बाबा सब है, वहाँ देख सकते हैं। काफ़ी शानदार यहाँ पे डांस प्रोग्राम भी देखा के उत्सव बना के निकला है शोभा यात्रा सुंदरनाथ धाम से, जो अभी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर
प्रशासन सब पूरा सहयोग करते हुए पे जो कि ये जो शोभा यात्रा को संपन्न करेगा, अभी थोड़ा देर में संपन्न हो जाएगा शोभा यात्रा जो देख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों देख सकते हैं कि शोभा यात्रा अभी पूरा घूम के क्योंकि अभी रजौला पहुंचा है, जैसे कि सुंदरनाथ धाम से महाविशाल शोभा यात्रा जो निकला था इस बार 2023 का, जो कि काफ़ी उमंग के साथ में निकला था, जो कि सबसे पहले सुंदरी पहुंचा था सुंदरनाथ धाम से, सुंदरी चौक पहुंचा, सुंदरी चौक से फिर हेर्रा चौक से फिर पहुंचा है चैता चौक से फिर रजौला पहुंचा है। लगभग 7-8 किलोमीटर दूरी तय करके अभी रजौला चौक पहुंचा है। जो भी आप लोग को दिखा रहे हैं यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, जो अभी फिर यहाँ थोड़ा देर प्रोग्राम करेगा, फिर इससे इसके बाद फिर दुर्गा स्थान जाएगा, दुर्गा स्थान से वापसी होके फिर आएगा रजौला चौक, रजौला चौक से फिर सुंदरनाथ धाम जाएगा, वहाँ पे क्योंकि अब विसर्जन हो जाएगा। तो अभी बने रहिए, अभी ही देख सकते हैं कि अभी पूरा यहाँ पे अपना डांस प्रदर्शन कर रहा है, जो कि अभी आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, जो कि यहाँ थोड़ा देर और डांस करेगा, इसके बाद फिर निकलेगा यहाँ से, थोड़ा सा दुर्गा मंदिर जाएगा, दुर्गा मंदिर से जो रजौला दुर्गा मंदिर है वहाँ से वापसी होकर फिर सुंदरनाथ धाम जाएगा। तो देख सकते हैं कितना अच्छा कंटेंट कर रहा है यहाँ पर, मैं लाइव प्रूफ आप लोग को दिखा रहा हूँ, बने रहिए मेरा वीडियो में और थोड़ा सा दिखाते हैं यहाँ पर, चलते हैं वहाँ से आगे, आप लोग बने रहिए फुल वीडियो वाच कीजिए। दोस्तों देख सकते हैं कि कितना अच्छा कंटेंट यहाँ पे दिखा रहा है, अभी देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये लोग डांस कर रहा है, काफ़ी गुस्सा बढ़ा देता है पब्लिक में, जो कि अभी आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ कितना सुंदर से यहाँ पे प्रोग्राम जो दर्शा रहा है, जो अभी आप लोग देख सकते हैं ये रजौला चौक में काफ़ी देर तक प्रोग्राम दर्शाया रहा, जो अभी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सुंदर से यहाँ कंटेंट अपना कर रहा है, जो कि देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम, और देख सकते हैं कि कितना पब्लिक यहाँ पे जुटा हुआ है, जो कि बजरंग दल के अलावा मतलब दूसरा भी पब्लिक जितना भी है गांव समाज को भी देख रहा है यहाँ पे। देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा से यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, और यहाँ प्रोग्राम अभी होगा ही, पर एक बात यहाँ मिलेगा बजरंग दल आगे रहेगा, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कंटेंट कर रहा है ये लोग, जो अभी आप लोग को हम दिखा रहे हैं लाइव प्रूफ, देख सकते हैं कितना अच्छा डांस प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है, काफ़ी उमंग के साथ में हो रहा है बजरंग दल, जो कि शोभा यात्रा सुंदरनाथ धाम से निकाला गया है, जो कि वहाँ से निकल के फिर सुंदरी और हेर्रा और इसके बाद चैता फिर रजौला पहुँचा है, जो कि लगभग 8-7 किलोमीटर दूरी तय किया है, पैदल यात्रा हुआ है, जो कि काफ़ी कठिनाई के सामना करके बजरंग दल जो कि अब संपूर्ण होने वाला है, थोड़ा देर में अब पहुंच जाएगा सुंदरनाथ धाम, जो कि अभी आप लोग को दिखाएंगे, तो देख सकते हैं कितना अच्छा कंटेंट यहाँ पे। दोस्तों देख सकते हैं कि रजौला चौक में काफ़ी देर से यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, जो कि अभी आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ देख सकते हैं कि चारों तरफ आग भी लगा कि यहाँ प्रोग्राम किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी धूमधाम से जितना भी बजरंग दल के जितना भी श्रद्धालु है सब मिलजुल के यहाँ पे प्रोग्राम को संपूर्ण कर रहा है, जो देख सकते हैं काफ़ी उत्साह बना हुआ है, और पब्लिक पर भी पूरा उत्साह बना हुआ, जितना भी गाँव समाज का पब्लिक है सब उम्र पड़ा है जो यहाँ देखने के लिए इस प्रोग्राम को, जो अभी आप लोग देख सकते हैं लैपटॉप लगा हुआ है, तो भी आप लोग को दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं बहुत है सुंदरनाथ धाम देखने के लिए, काफ़ी शोभा यात्रा निकला है, जो अभी आप लोग को दिखाएं, देख सकते हैं इतना अच्छा कंटेंट यहाँ पे देखा है, आप देख सकते हैं जो कि दुर्गा मंदिर जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं कि रजौला चौक में और प्रोग्राम बढ़ते ही जा रहा है, जो कि ये लास्ट गाना और फरमा दिया है कि जो यहाँ पे एक और भजन चलेगा, जो मैं अभी आप लोग को दिखा रहा हूँ कि यहाँ पब्लिक का संख्या काफ़ी बढ़ गया है, जो अभी देख सकते हैं आप लाइव प्रूफ यहाँ कितना सारा पब्लिक यहाँ पे जमा हुआ है, जो कि आम पब्लिक भी यहाँ पे है और बजरंग दल भी यहाँ पे है, जितना भी भाई देख सकते हैं कि आप दिखाते हैं आप लोग को यहाँ लाइव प्रूफ देख सकते हैं यहाँ पूरा कितना अच्छा लग रहा है आज का व्यू देखने में,
और यहाँ से ये कान्हा के बाद फिर निकलेगा यहाँ से जो दुर्गा मंदिर के पास, तो दुर्गा मंदिर से वापस ही जब आएगा तो मैं दिखाऊंगा आप लोग को फिर वीडियो बना के। काफ़ी अच्छा से यहाँ पे जो अभी प्रदर्शन कर रहा है जो कि रजौला चौक में, जो देख सकते हैं आप कितना अच्छा से प्रोग्राम यहाँ कर रहा है, जो दिखा रहा है पब्लिक को उमंग उत्साह बना रहा है यहाँ पर, जो देख सकते हैं काफ़ी उत्साह में है पब्लिक, जो कि काफ़ी सुंदर से यहाँ पर हो रहा है प्रोग्राम जो अभी आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा गाना भी चल रहा है यहाँ पे जो अभी आप लोग को लाइव प्रूफ देखा रहे हैं। यहाँ से फिर निकलेगा अभी दुर्गा स्थान, तो दुर्गा स्थान काफ़ी टाइम हो गया दोस्तों, अभी लगभग 4 बजने वाला है, तो यहाँ अभी 4 बजे तक यहाँ पहुँच गया है, जो काफ़ी टाइम लग गया वहाँ से घूमते घूमते आने में यहाँ रजौला चौक। चलते हैं दोस्तों यहाँ से आगे, बने रजौला चौक में भी प्रोग्राम भी हो रहा है और यहाँ पे प्रोग्राम खत्म होगा फिर इसके बाद सुंदरनाथ धाम जाएगा थोड़ा सा घुमा के। यहाँ देख सकते हैं कितना बजरंग दल श्रद्धालु सब काफ़ी उम्र पड़ा है जो देख सकते हैं यहाँ पे। अभी रजौला चौक का आप लोग को व्यू दिखा रहे हैं, चलते हैं दोस्तों फिर यहाँ से आगे। आप लोग सुंदरनाथ धाम से शोभा यात्रा बजरंग दल निकला था जो आप लोग को मैं अभी दिखा रहा हूँ, तो वो अंतिम समय आ गया जो कि अभी रजौला चौक में है। रजौला चौक से आप सुंदरनाथ धाम पहुँचेगा तो विसर्जन होगा जो अभी आप लोग को दिखा रहे हैं। यहाँ पे कितना भारी संख्या में है पब्लिक यहाँ पे बजरंग दल का, तो देख सकते हैं यहाँ पे व्यू। यहाँ रजौला चौक में अभी फिलहाल है, रजौला चौक का आप लोग को व्यू दिखा रहे हैं। यहाँ पे प्रशासन और जो DSP साहब है सब आया हुआ था, प्रखंड प्रमुख साहब भी था। यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा तरह से यहाँ पे जो कि शोभा यात्रा को शांतिपूर्वक मनाया गया है जो अभी आप लोग को दिखा रहे। चलते हैं यहाँ से आप सुंदरनाथ धाम का व्यू दिखाएंगे। काफ़ी दोस्तों कि अब सुंदरनाथ धाम रजौला से निकल गया है, तो अभी थोड़ा देर में सुंदरनाथ धाम पहुंच जाएगा तो सुंदरनाथ धाम का आप लोग को व्यू दिखाएंगे। काफ़ी जो शोभा यात्रा सुंदरनाथ धाम से निकला था चल के बजरंग दल, तो अब फिर सुंदरनाथ धाम प्रांगण में पहुंचने वाला है जो अभी आप लोग को दिखाते हैं। चलते यहाँ पहुँच गए फाइनली, देख सकते हैं कि पास में ही सुंदरनाथ धाम है, तो यहाँ से चलते हैं अब सुंदरनाथ धाम का प्रांगण में थोड़ा सा वीडियो बना फिर वीडियो देखिए। फाइनली अब सुंदरनाथ धाम हम लोग पहुँच चुके हैं जो कि आप पास में ही है सुंदरनाथ धाम जो देख सकते हैं। चलते हैं आप आगे आप लोग को दिखाने के सुंदरनाथ धाम हम लोग पहुंच गए हैं। चलते हैं दोस्तों यहां से आगे आप लोग को दिखाने के लिए। दोस्तों शोभा यात्रा अब फिर सुंदरनाथ धाम पहुंच चुका है जो अभी आप लोग देख सकते हैं, जो कि बहुत शांतिपूर्वक से सुंदरनाथ धाम पहुंचा है यहाँ देख सकते हैं। चलते हैं यहाँ से दोस्तों फिर आप लोग को आगे देखा रहे। शोभा यात्रा अब संपूर्ण हो गया है जो कि सुंदरनाथ धाम पहुंच चुका है, देख सकते हैं ये माता पार्वती मंदिर है, इधर भोले बाबा का जो मंदिर है देख सकते हैं, काफ़ी लंबाई है काफ़ी ऊंचाई है देख सकते हैं। यहाँ से चलते हैं यहाँ से दोस्तों फिर आगे आप लोग को दिखाएंगे, बने रहिए। सुंदरनाथ धाम का जो व्यू देखने में जो अच्छा लगता है देख सकते हैं कितना अच्छा लगता है। यहाँ शिव गंगा है और कलाकार सब जो आया था यहाँ पे, सारा कलाकार यहाँ पे है जो कि संपूर्ण हुआ तो यहाँ पे आके अपना चेंज कर रहा है, तो यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में यहाँ का व्यू। चलते हैं दोस्तों फिर वीडियो के एंड कर देंगे, काफ़ी देर से मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोग को आज शोभा यात्रा दिखाएँ किस तरह से सुंदरनाथ धाम से निकला, तो चलते हैं यहाँ से आगे। शोभा यात्रा से जितना भी भक्तजन था जो बजरंग दल से आया हुआ था, तो सारा यहाँ पे जो भंडारा रखा गया है यहाँ पे खिचड़ी की व्यवस्था था महाप्रसाद का, तो सब यहाँ पे धारण महाप्रसाद करके फिर अपना अपना घर जाएगा। यहाँ से व्यू देख सकते हैं, यहाँ का व्यू दिखाते हैं, चलते हैं दोस्तों। शोभा यात्रा सुंदरनाथ धाम से जो बजरंग दल निकला था जो कि आप पूरा मतलब गाँव गाँव घुमाया, तो बहुत शांतिपूर्वक से जो कि अररिया जिला से DSP साहब भी आया था और सारे थाना से, इधर 3 थाना है जैसे गोदाम हुआ, कुर्सागटा हुआ, फिर कुआड़ी हुआ, सारा थाना का अधिकारी सब था यहाँ पे और पूरा यहाँ पे प्रशासन सब सहयोग देते हुए पर जो बजरंग दल
शोभा यात्रा को संपूर्ण किया, जो कि अभी मैं मंदिर के पास में हूँ। दोस्तों आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ में। ओके बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय महादेव, जय बजरंगबली।